नमस्कार, वेलकम टू इन माई स्टाइल। आज हम बना रहे हैं प्रोटीन से भरपूर सोया और सफ़ेद मटर के कबाब। तो सबसे पहले इसमें हम सफ़ेद मटर को अच्छे से धो करके पानी में भिगो देंगे रात भर के लिए या 5 से 6 घंटे के लिए। ये हमने 100 ग्राम लिए हैं। और मटर हमारे भीग गए हैं। साथ में लेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, ब्लैक पेपर, लौंग, कार्डमम और जावित्री। इन सबको रोस्ट करके क्रश कर लेंगे मोटा मोटा। सोया नगर्स भी इक्वल अमाउंट में लिए हैं, 100 ग्राम। अब सोया नगर्स को एक प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसमें हम भिगोए हुए सफ़ेद मटर डाल देंगे। साथ में डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 रेड चिली पाउडर, या मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और क्रश्ड मसाले जो हमने अभी क्रश करके रखे हैं उनको डाल देंगे पूरा। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और डालेंगे पानी। पानी हमें इसमें इतना डालना है जिसमें नगेट्स पूरी तरीके से डूब जाएं। तो यहाँ पर हमने 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। इसको पानी को हमें जो मिक्सचर हमारा तैयार हुआ है कुकर में उसकी लेवल तक लेना है, और कुकर में सीटी लगा देंगे। इसके बाद जब तक कि हमारे मटर अच्छे से गल नहीं जाते, 6 से 8 सीटी लगानी पड़ेंगी इसमें। और ये अच्छे से सब कुछ गल चुका है। थोड़ा सा पानी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे सुखाने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम ठंडा करेंगे और मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब हमने इसे बाउल में निकाल लिया है। इसमें ऐड कर रहे हैं हम 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच छोले मसाला, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे। तेल थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप चिकनी नहीं खाते तो कम तेल में भी बन सकता है, लेकिन जो मज़ा डीप फ्राइड चीज़ों में है वो कम तेल में कहाँ। अब हमने मिक्सचर को 1 चम्मच की सहायता से इसमें डाला है। हाथ से भी टिक्की बना के डाल सकते हैं। और इन दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है। ये ऊपर से बहुत क्रिस्प बनेंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे, एकदम मेल्टिंग इन माउथ, मुंह में घुल जाने वाले। लो मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे। एक तरफ से जब हो जाएगा तो इसे दूसरी तरफ भी पलट देंगे, और इन्हें बहुत लाइटली हैंडल करना है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट। बहुत टेस्टी लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, एक बार बना के ज़रूर देखें। और ये रेडी हैं सर्व करने के लिए, गर्मा गर्म कबाब हमारे। इसे आप रोटी, पूड़ी, पराठा जैसे भी चाहें खाएं, या ग्रीन चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। तो रेसिपी को ट्राई करें और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।